तो ये कह रहे कि बीजेपी के ये गुंडे हैं, तो क्या कहना अच्छा चाहेंगे? देखिए, वास्तव में जो पहले राक्षस की परंपरा होती थी, राक्षस और राक्षसी की, तो वो परंपरा समाप्त हो गई है। अब वो दिखते नहीं हैं लोग, लेकिन अब इंसान रूप में ही राक्षसी स्वभाव वाले लोग कुछ जिंदा है। तो इंसान के रूप में ही ममता बनर्जी राक्षसी परंपरा की है, वो अभी एक शेष बच गई है। जैसे लंका में लंकिनी थी, लंकिनी थी जो हनुमान जी को रोकी थी, उसी तरह से ये भी रोक रही थी राम और हनुमान को। लेकिन यहाँ हनुमान योगी जी जैसा हनुमान पैदा है इस देश में, उसको रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। और जैसे योगी जी ने और मोदी जी ने बंगाल को फतह कर दिया, तो अब लंकिनी का भी नाश हो ही जाएगा। मान के चलिएगा कि लंकिनी का नाश हो गया, नाश हो जाएगा, और लंका में विभीषण का राज स्थापित होगा। भाजपा विभीषण का तलाश कर रही है, तमाम तमाम विभीषण के वंशज भाजपा को तृणमूल में भी थे ना उसके साथ, तो विभीषण के वंशज सब 10-20 मिल चुके हैं, उसमें से ओरिजिनल विभीषण तलाशा जाएगा और राम हमारा जो है वहाँ का अभिषेक करके बंगाल की धरती का विभीषण चुनेगा और विभीषण को बैठा करके फिर वहाँ राम राज्य स्थापित करेगा।